देश में अब मोबाइल कॉल और इंटरनेट 50% तक महंगा हो जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र में टैरिफ युद्ध के साथ ही सरकारी शुल्कों के बकाया भुगतान के कारण बने दबाव के बाद निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ने रविवार को नए प्लान का ऐलान किया। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की नई दरें मंगलवार 3 दिसंबर रात 12 बजे जबकि जियो की नई दरें 6 दिसंबर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हो जाएंगी। पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा मौका है जब प्रीपेड प्लान के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। असल में 2014 के बाद से वॉइस कॉल लगभग मुक्त हो गई थी और डेटा की कीमत करीब 95% घटकर 269 रुपए प्रति जीबी से घटकर 11.78 रुपए प्रति जीबी हो गई थी। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 50% ऊंची कीमत के साथ अनलिमिटेड कैटेगरी में नए रेट जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने जो रविवार को पहले कंपनी के नए टैरिफ जारी किए हैं उसमें 2 दिन, 28 दिन, 84 दिन और 365 दिन के लिए नए प्लान जारी किए हैं। एयरटेल द्वारा भी नए टैरिफ प्लान जारी किए गए हैं। कंपनी का टैरिफ 50 पैसे प्रतिदिन से लेकर 2.85 रुपए प्रतिदिन महंगा हो गया है। रिलायंस 6 दिसंबर से नए प्लान लॉन्च कर रहा है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस और डेटा के साथ नए ऑल इन वन प्लान लाए जा रहे हैं जो 40% तक महंगे होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।